दोस्तों अगर आप एक अकाउंटेंट हो या फिर कोई ऐसी कंपनी में जॉब करते हो जहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर की जरूरत सबसे ज्यादा रहती है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे मैजिक ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपके वर्क को और ज्यादा आसान बना देगी तो दोस्तों अगर आप एक नए अकाउंटेंट हो एक्सेल सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को कोई भी स्टेप स्किप किए बगैर एंड तक जरूर देखना तो दोस्तों जो मैजिक ट्रिक्स के बारे में हम जो बात करने वाले हैं वो यही है अभी अगर माइक्रोसॉफ्टवेयर में कोई अंक पर लिखते हैं तो उसको इन वर्ड में किस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी लिखा वन हंड्रेड तो इसने सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक रुपीज वन हंड्रेड ओनली में कन्वर्ट कर दिया यानी कि इन वर्ड्स में और यहाँ पर हम लिख दिया वन जीरो थ्री तो यहाँ पे आप देख रहे हो रुपीज वन हंड्रेड थ्री ओनली सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दिया है तो दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस प्रकार यूज यूज किया जाता है किस प्रकार हम इसमें का यूज करके इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का स्मार्ट काउंटिंग आर एनआर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो तो दोस्तों जैसे हम सॉफ्टवेयर में हमारे इनवॉइस में किसी सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार की कस्टमाइजेशन करने के लिए हम टीडीएल फाइल का यूज करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर में काफी सारे टीडी लियो की जैसे कि बैंक बैंक को रिकनसल्ट करने के लिए इनवॉइस फॉर केमिस्ट के लिए ऑडिट ट्रायल के लिए वाइज डेली आउटस्टैंडिंग को रिपोर्ट देखने के लिए क्योंकि तो ये जो वाइड इफेल्ट होते हैं ये सॉफ्टवेयर के साथ में नहीं आते बाद में हमें अलग से इसको डाउनलोड करके एड करना पड़ता है तो उसी प्रकार दोस्तों ये जो फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं इस फॉर्मूले का नाम है स्पेल नंबर तो ये जो स्पेल नंबर का जो फॉर्मूला है ये वाइड एक्सेल सॉफ्टवेयर के साथ में नहीं आता है इसको हमें बाद में एड यानी कि इसको एक्सेल सॉफ्टवेयर के साथ में जोड़ना पड़ता है तो दोस्तों हमने जो यूज किया है अब ये जो है ये हमारा है, इस टाइप का स्पेल नंबर ये एक एक्सेल की फाइल है इसको हमने एक्सेल के साथ किस प्रकार कनेक्ट किया सबसे पहले हम उसको देखते हैं। तो दोस्तों इसको देखने के लिए आपको सबसे पहले फाइल में जाना पड़ेगा और फाइल में जाने के बाद आपको इसको यहाँ यूज करना है इस ऑप्शन को ऑप्शन पर हम जाएंगे और ऑप्शन पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एड इंस का इस पर हम क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद में अगर आपका पहले से ये जो स्पेल नंबर की एडिंस ऑलरेडी एड है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको पहली बार अगर आप एड कर रहे हो तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इस मैनेज में आके और यहां पर आपको कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो इसमें से आपको जो पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक्सल एड है और इसको जाना है गोपे और जैसे हम गोपे जाएंगे तो आप देख रहे हो मेरे पास यहां पर ये जो स्पेल नंबर है ये ऑलरेडी टिक है यानी कि मैंने इसको ऑलरेडी एड किया हुआ है तो मैं इसको यहाँ से अनटिक कर देता हूँ अगर यहाँ पे मैं नाम यहाँ पर अगर मेरा नहीं आता तो मैं इसको जोड़ना चाहूँ तो यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करूंगा और उसके बाद में मेरा डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप पे जाने के बाद में न्यू फोल्डर थ्री है और इस न्यू फोल्डर थ्री के अंदर ये मेरी फाइल पड़ी है तो इसको यहाँ से मैं अटैच करूंगा ओके करूंगा तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है ये जो फाइल है मेरी ऑलरेडी यहाँ पर है अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ तो यस कर दूंगा यस कर दिया तो अब ये आपका एड होने के साथ साथ इस पर ये चेक भी होना जरूरी है यानी कि टिक मार्क होना जरूरी है और उसके बाद में इसको हम करेंगे ओके दोस्तों तो अब ओके करने के बाद में क्या करना पड़ेगा जैसे अब मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑलरेडी लगा हुआ है फिर इसको हम यूज करके देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा पचास हो ओनली ऑटोमेटिक आ तो ये किस तरीके से है इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट जो ऑलरेडी लगा हुआ है तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो वर्ड अंक को हमें जो लिखना वहां पर कुछ नहीं करना जहां पर हमें इन वर्ड्स में चाहिए वहां पर हमें फॉर्मूला लगाना है फॉर्मूला लगाने के लिए हम यहाँ करेंगे बराबर उसके बाद में हम टाइप करेंगे एस पी ई डबल एल वैसे तो आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे नाम ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आ गया है तो ये नाम आपका इस फंक्शन में तभी आएगा अगर आपने उस एडिंस को कर लिया तो तो हम स्पेल नंबर और उसके बाद में यहां से ब्रैकेट हम चालू करेंगे और उसके बाद में जहां पर हमारा शब्द अंकों में जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है जैसा कि हमारा यहां पे इसका सेल की रेंज हम देंगे एफ सिक्स को और इंटरप्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखियो रुपीज फिफ्टी ओनली आगे कन्वर्ट हो। 140 हम लिखते हैं, तो आप देख लो यहाँ पर इसके साथ में भी ये लिखा जाएगा अंकों में हमने लिखा वन फोर फाइव यानी किस रुपए छिहत्तर पैसे तो इसका जो रुपीज वन हंड्रेड फोर्टी फाइव पैसा सेवेंटी सिक्स ओनली यानी कि छिहत्तर पैसा तो दोस्तों अगर आप एक अकाउंटेंट हो अगर आपको जरूरत पड़ती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी टाइप की इन्वॉइस की फॉर्मेटिंग करने के लिए या कई बार आपको टेम्प्रेरी रूप से कोई डिलीवरी चलान वगैरह आपको तैयार करना पड़ता है तो आप उसके लिए ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पे डेमो के रूप में एक इन्वॉइस बनाया फॉर्मेलिटी के लिए अब यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो अमाउंट है अब ये तो आप सभी को पता भी फॉर्मूले के साथ ऑटोमेटिक आई जाती है लेकिन ये चेंज करना बारी बारी बहुत मुश्किल काम हो जाता है तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे फॉर्मूला लगाया जैसे हम पर इसकी अमाउंट चेंज करते हैं। वन करते करते हैं 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 उसके बाद वन करते हैं। और इसका जो रेट हम लेंगे सौ तो आपको पता है एक क्वांटिटी है और एक सौ यानी कि दो क्वांटिटी है और सौ सौ रुपए का दोनों का रेट है तो टोटल अमाउंट दो सौ बनेगी तो यहाँ पर भी टू हंड्रेड ओनली ऑटोमेटिक आ जाएगा इन वर्ड्स में अगर यहाँ पर हम कोई क्वांटिटी चेंज करते हैं फाइव करते हैं यहाँ पर भी फाइव करते हैं तो अभी हमारा हो गया रुपए तो यहां पर भी वन थाउजेंडिया गया अगर ये पैसों के साथ भी कन्वर्ट करेंगे सौ रुपए और पैसा अगर आ रहा है इसमें करेंगे सौ रुपए सेवेंटी एट अब ये पैसों के साथ में भी आ सकते हैं तो पैसे के साथ में आएगा तो यहां पर पैसा भी दिखाएगा तो इस प्रकार दोस्तों अगर हम इस ट्रिक का अगर हम यूज करते हैं स्पेल नंबर का का फाइल का, अगर हम यूज करते हैं तो हमारा काफी हद तक काम काम है जो आसान हो जाता है अगर आप एक अकाउंटेंट हो या फिर अगर आपका काम डाटा ऑपरेटिंग का है तो अगर आप डाटा ऑपरेटिंग में भी देखते हो कई बार आपको अमाउंट की जरूरत पड़ती है अगर आपने कोई सेल्स माइन वाइज वाइज अगर आप रिपोर्टिंग तैयार तैयार करते करते हो करते हो प्रोडक्ट रिपोर्ट उसकी क्वांटिटी है उसकी वैल्यू तैयार करते हो तो आपको कहीं ना कहीं उसके अंकों के साथ साथ आपको इन वर्ड्स की भी जरूरत पड़ती होगी अगर नहीं पड़ती है तो भी ये आपका ये जो फॉर्मूला है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों इसलिए हम इस फॉर्मुले को अगर नीचे तक डायरेक्ट करेंगे इसको तो भी यहाँ पर आ जाएगा अब यहाँ पे जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इस साइड में कोई भी अंक नहीं लिखे हुए हैं यहाँ पे अगर मैंने सेवन ओनली सेवन लिखता हूँ तो रुपीज सेवन ओनली आ जाएगा तो इस तरीके से ये काम करेगा अगर इसको मैं वहां से अनचेक कर देता हूँ फाइल पे जाके ऑप्शन पर हम जाएंगे एडिंस का यूज करेंगे और उसके बाद में गोहपुर जाने के बाद इसको अगर हम अनचेक करेंगे और ओके करेंगे तो अगर अब यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो अभी आप देख रहे हो अभी फॉर्मूला आने की बजाय अब इस टाइप का ऑप्शन हमें दिखना शुरू हो गया अभी आपने इसलिए आपकी जो फाइल पड़ी है वो यूज होगी अब यहाँ पर अगर हम कुछ लिखते हैं इसका तो यहाँ पर ओनली नेम यानी कि एरर दिखाएगा क्योंकि हमने इसका जो स्पेल नंबर की जो एडिंस थी उसको रिमूव कर दिया हम चालू करेंगे तो फाइल्स पर जाएंगे ऑप्शन पर जाएंगे उसके बाद हम एडिस्ट का यूज करेंगे और उसके बाद में वापिस गो पे और इस पे चेक मार्क करेंगे ओके okay करेंगे तो जैसे ओके okay करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे वन हंड्रेड ओनली ऑटोमेटिक ही कर देना। अगर आपको इसको की है, अगर आपको चाहिए तो इस फाइल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप उसे वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों में शेयर भी जरूर कर देना तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ